पिथौरागढ़ जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य, नदियों और हिमालय के लिए जाना जाता है, जिसका दीदार करने पर्यटक यहाँ देश विदेश से पहुँचते हैं। जब आप पिथौरागढ़ की यात्रा में आ रहे हैं तो यहाँ अनुभव करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ से आसानी से नेपाल घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और एक दूसरे देश की सभ्यता को जान सकते हैं। सीधे शब्दों में बोला जाए तो आप पिथौरागढ़ से नेपाल की विदेश यात्रा आसानी से कर सकते हैं, जो कि कुछ मिनटों की दूरी के फासले पर है। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के दार्चुला शहर की, जो पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर धारचूला से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ नेपाल पहुँचने के लिए बस एक पुल को पार करना पड़ता है। पुल पार करते ही नेपाल के धारचूला शहर में आसानी से पहुँचा जा सकता है और नेपाली संस्कृति और सभ्यता के साथ दोनों देशों के मैत्री संबंध भी यहाँ देखने को मिलते हैं। धारचूला कैलाश मानसरोवर मार्ग पर अंतिम शहर है। यही वजह है कि यहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं और साथ ही नेपाल की विदेश यात्रा भी भारतीय आसानी से कर सकते हैं। यहाँ नेपाल पहुँचने वाले पर्यटकों से बातचीत में उन्होंने इसे अपना सुखद अनुभव और यहाँ के स्थानीय लोगों ने दोनों देशों के महत्व को बताया है। स्थान से आए, इंडिया से हमारे को पिथौरागढ़ आए थे तो हम पुलिया पार करके इधर नेपाल आए। नेपाल आने से हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, शॉपिंग भी बड़ी अच्छी है यहाँ की। आया तो बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ हमने चाय, धारचूला आए थे, धारचूला से पुल के द्वारा नेपाल आए हैं। यहाँ हमने चाय वगैरह ली है, कुछ ट्रेडिशनल सामान वगैरह खरीदा है, अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा अच्छा अनुभव रहा हमारा। वैसे नहीं, इंडिया नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। हमारी सुबह यहाँ होती है, शाम उधर को होती है, शाम उधर वालों की इधर होती है। बहुत अच्छा कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे में बहुत प्यार भरा संबंध है। और शादी के लिए पार वार वाले पार जाते, पार वाले वार आते, हर तरह की पार्टी के लिए कभी इधर करते कभी उधर करते, और दोनों जगह के नाम भी सेम है, पार धारचूला इधर धारचूला हुआ। व्यापार बिजनेस भी बहुत एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों तरह के व्यापारी लोग अच्छा संबंध है। अगर आप धारचूला आए हैं और नेपाल जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने अपना आधार कार्ड दिखाकर बस एक पुल पार करना है, जो कि काली नदी पर बना है। काली नदी ही यहाँ दो देशों का विभाजन करती है, जिसे पार करते ही नेपाल के दार्चुला शहर पहुँचा जाता है। यहाँ से काठमांडू की दूरी 960 किलोमीटर है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों की सुबह भारत में होती है तो शाम नेपाल में, और दोनों देशों के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो व्यापार हो या रोटी बेटी के संबंध या यहाँ की मिलती जुलती सांस्कृतिक सभ्यता। सिर्फ नदी ही इन्हें दो देशों के रूप में बांटती है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।